हेलो एवरीवन, वर्क एनर्जी एंड पावर में अब हम लोगों का आखिरी पार्ट चल रहा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? तो कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे MSEB का जो बिल आता है हमारे घर में, तो कमर्शियल पर्पस के लिए एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, हमको पता है पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, हम पावर को लेते हैं किलोवाट में और टाइम को लेते हैं आवर्स में। पावर को किलोवाट में और टाइम को आर में लेने के बाद एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट आता है किलोवाट आर, उसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि किलोवाट इनटू आर होता है, या ऐसे यूनिट भी कहते हैं। अब कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर क्यों है, जूल क्यों नहीं है, वाट इनटू सेकेंड क्यों नहीं लेते हैं? तो हमारा MSEB का मीटर जो है वो किलोवाट आर में होता है। ओके, हमारे घर के अप्लायंसेस को भी हम सारे पावर किलोवाट आर में उसका एनर्जी मेजर करते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए कोई भी डिवाइस जो हम यूज़ रन करते हैं वो सेकेंड्स के लिए नहीं चलाते हैं, एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए चलाते हैं, नहीं तो फिर आवर्स के लिए चलाते हैं। जैसे बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ़ैन का। फ़ैन यूजुअली, सपोज फ़ैन का पावर है 100 वाट, और फ़ैन डेली कितने घंटे का चलाते हैं? तो ऑन एन एवरेज सपोज 6 आवर्स के लिए हम लोग फ़ैन चलाते हैं। तो अगर मैं फ़ैन का एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करने जाऊँ जूल में, तो बताइए ये बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा, 216000 जूल, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसीलिए इस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पावर को किलोवाट में लेते हैं और टाइम्स को आर में लेते हैं, सेकेंड्स में नहीं लेते। दैट्स वाई कमर्शियल पर्पज़ के लिए एनर्जी का यूनिट किलोवाट आर होता है, जिसको यूनिट भी कहते हैं। तो एनर्जी का एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आर की वैल्यू 36 लाख जूल होती है, ये प्रूफ करेंगे अब हम। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट इंटू आर, तो किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय आर। अब बताइए किलोवाट मतलब कितने वाट, 1000 वाट, और आर मतलब कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। अगर आप देखते हो तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट यानी कि एक यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है, 36 लाख जूल होता है। ऐसे तो काफ़ी आसान है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।